फिल्म की शुरुआत में हमें नॉर्थ कोरिया की सेना को दिखाया जाता है। उन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया था और उसे खूब पीट रहे थे। दरअसल उनका मानना है कि वो एक अमेरिकन जासूस है। इस लड़की का नाम एवलिन होता है। अब एवलिन का कहना है कि मैं जासूस नहीं हूँ बल्कि एक एजेंसी में काम करती हूँ, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। बाद में एक एजेंसी का एजेंट वहाँ आता है। दरअसल ये एजेंट एवलिन को रिहा कराने के लिए यहाँ पर आया था। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डील होती है कि वो एक दूसरे के साथ अपने कैदियों को बदल लेंगे, इसलिए वो एवलिन को रिहा कराने के लिए आया था। वह एजेंट से पूछती है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यह कानून के खिलाफ है। बाद में एजेंट उसके सामने उसका दोस्त दिखाता है जो उससे बहुत प्यार करता था और उसने एवलिन को छुड़ाने की कोशिश की थी। वही था जो CIA एजेंटों के पास गया था। एवलिन अब अपने दोस्त के साथ अमेरिका आ गई थी। 2 साल हो गए थे। एवलिन ने अपने दोस्त से शादी भी कर ली थी। वो दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही थी, उसका वही एजेंट साथी जिसने उसे छुड़वाया था, वो उससे कहता है कि हमने एक रूसी जासूस को पकड़ा है और अब आपको उसके पास जाकर उसके बारे में पता लगाना होगा। लेकिन जब एवलिन उसके पास जाती है तो वह कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रूस में बच्चों को लंबे समय तक ट्रेनिंग दी जाती है। उन बच्चों को रूसी नहीं बल्कि अमेरिकी भाषा पढ़ाई जाती है। उन्हें वहाँ के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है ताकि उन बच्चों को अमेरिका भेजा जा सके और वहाँ जाके जासूसी कर सके। कई साल पहले अमेरिका से एक जोड़ा रूस घूमने के लिए आया था। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई थी। उनकी बेटी एक रूस की लड़की से बदल ली गई थी जो इस वक्त अमेरिका में है। आने वाले समय में जब रूस के राष्ट्रपति अमेरिका जाएंगे तो जिस लड़की को यहाँ से भेजा गया था वो रूस के राष्ट्रपति को मार डालेगी, जिसका सारा दोष अमेरिका पर आएगा। एवलिन को जासूस की बात पर विश्वास नहीं होता है और वह जाने लगती है। फिर वह कहता है रुको और अभी और सुनो, जो लड़की यहाँ पर जासूस है वह और कोई नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन एवलिन को अब भी उस पर विश्वास नहीं है और वह उससे यह भी कहता है कि तुमने शादी करके ठीक नहीं किया, एक जासूस की कभी शादी नहीं होती। वहाँ सच और झूठ का पता लगाने के लिए मशीन लगा दी गई थी। इसके मुताबिक रूसी जासूस सच बोल रहा था। अब उस जासूस को लिफ्ट से ले जाया जाता है जहाँ वह अपने जूते से चाकू निकालता है और सभी पर हमला कर देता है। एवलिन समझ जाती है कि यह जासूस उसके पति को मारने आया है और उसकी जान खतरे में है। वह अपने पति को बचाना चाहती थी लेकिन यहाँ के सभी एजेंट उसे जाने नहीं देते। उन्हें एवलिन पर भी शक होने लगता है कि वह एक रूसी जासूस है। वो उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं लेकिन एवलिन बहुत चालाकी से वहाँ से भाग जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जासूस ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा था वह सच था। अब जब वह घर आती है तो उसका पति वहाँ नहीं था, उसी रूसी जासूस ने उसका अपहरण कर लिया था। अब एवलिन को पकड़ने के लिए अमेरिकी एजेंसी के CIA एजेंट भी आते हैं लेकिन वह खिड़की से भाग जाती है। लेकिन वही एजेंट उसे देख लेता है जिसने उसे रिहा करवाया था। अब वह चारों तरफ से पुल पर घिर चुकी थी लेकिन वह चलते ट्रक पर कूद जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वह होटल आ जाती है, वहाँ एक कमरा लेती है और अपनी आंखों का लेंस और दांत निकाल लेती है और यहाँ पता चलता है कि वह भेष बदलकर CIA में रह रही थी। दूसरी ओर सभी CIA एजेंटों को पता चल गया था कि एवलिन सचमुच एक रूसी जासूस है जिसे वहाँ बदल दिया गया था। अब रूस के राष्ट्रपति भी अमेरिका आ चुके थे। एवलिन अब ट्रेन में बैठती है और उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर प्रेसिडेंट थे। वो वहाँ बम फोड़ देती है जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर एवलिन राष्ट्रपति को गोली मार देती है। इसी बीच वहाँ सीनियर एजेंट आता है और एवलिन को गिरफ्तार कर लेता है। वह उसे अपने साथ ले जाता है। एजेंट अपने साथी से कहता है अगर एवलिन चाहती तो मुझे मार सकती थी लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और खुद को कानून के हवाले कर दिया। अब जब उसे पुलिस ले जाती है तब उसका पास दिखाया जाता है जहाँ उसे उसका बचपन याद आता है, जब उसका चेहरा पूरी तरह से अमेरिकी चेहरे में बदल दिया गया था, यानी उसका चेहरा पूरी तरह से सर्जरी वाला था जिस वजह से वह अमेरिकन जैसी दिखती है। जहाँ एवलिन अपने ख्यालों में सब कुछ देख रही थी वह अभी भी पुलिस की गाड़ी में थी। वह कार में बैठी होती है और सभी पुलिस कर्मियों को मार देती है, इस वजह से उनकी कार पलट जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है। अब हमें वो रूसी दिखाया जाता है जिसने एवलिन के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह TV पर समाचार सुन रहा था जिसमें दिखाया जाता है कि रूस के नए राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका से बदला लेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्रपति की वहाँ डेथ हो गई है। अब एवलिन भी उसके पास आती है। दरअसल इसी जासूस ने एवलिन को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। वह कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया लेकिन तुमने शादी करके गलती की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। एवलिन कहती है कि फ्यूचर का क्या प्लान है। वो कहता है कि हम अमेरिका के हथियारों पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ रूसी जासूसों ने उसके पति को भी पकड़ लिया था। वह अपने पति को नहीं बचा सकी क्योंकि वहाँ बहुत सारे रूसी जासूस थे और वो सब उस पर गोली तान कर खड़े होते हैं। वहाँ पर पानी का वॉल्व खोल दिया जाता है और धीरे धीरे उस जगह पर पानी भर जाता है जहाँ पर उसका पति था। वह उसकी आंखों के सामने मर जाता है। जासूस कहता है बधाई हो, हमारी एवलिन वापस आ गई है। इसके बाद वह उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि आगे तुम्हें एक आदमी मिलेगा, अगला काम तुम्हें उसके साथ करना है और हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एवलिन के मन में अभी भी अपने पति की मौत का गम था। अब वह उस आदमी के पास जाती है जिसके साथ उसे मिशन पूरा करना है। जब वह उसके गले पर कटे का निशान देखती है तब उसे समझ आता है कि यह उसके बचपन का दोस्त है। वह उससे कहता है कि मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में काम कर रहा हूं और तुम्हें मेरे साथ वहां जाना होगा और राष्ट्रपति को मारना होगा। अब वह उसके साथ वहां जाती है और वह अपना रूप बदलकर एक बड़े आदमी में बदल जाती है, जिसके बाद वह अपने दोस्त से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे। वह कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। अब जैसे ही राष्ट्रपति उसके सामने आते हैं एवलिन का दोस्त प्रेसिडेंट को गोली मारता है लेकिन वहाँ की सुरक्षा की वजह से राष्ट्रपति बच जाते हैं, लेकिन फिर वो खुद को बम से उड़ा लेता है। अब एवलिन का दोस्त मर चुका था, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बच गए थे। उन्हें कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है जहाँ राष्ट्रपति को पता चलता है कि रूस उन पर हमला करना चाहता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वह भी उस पर अपने हथियारों से हमला करेंगे। वह सभी हथियार को एक्टिवेट कर देते हैं। वहाँ हम कैमरे के जरिए एवलिन को भी देखते हैं। CIA एजेंट राष्ट्रपति को बताता है कि यह एक रूसी जासूस है जिसने रूस के राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी। वह रूस और अमेरिका के बीच युद्ध कराने
लाना चाहती है। फिर CIA एजेंट जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसने एवलिन को बचाया था, वो यहाँ सभी को बंदूक से मार देता है। अंत में वो अमेरिका के राष्ट्रपति पर बंदूक तान देता है और कहता है कि मैं CIA का एजेंट नहीं हूँ, और ये कहते हुए वो राष्ट्रपति को मारकर बेहोश कर देता है। अब वह एवलिन से कहता है कि तुमने अपना काम बहुत अच्छे से किया। इससे हमें ये पता चलता है कि वह भी एक रूसी जासूस है, वह उनकी टीम का आदमी है। अब वो वहाँ 2 मिसाइल एक्टिवेट कर देता है। इसके साथ ही ये मिसाइलें मुस्लिम देशों पर हमला करेंगी और उन्हें तबाह कर देंगी, और यही उनका मेन मिशन होता है। वहाँ लाखों लोग मर जाएंगे और हर कोई अमेरिका का दुश्मन बन जाएगा। ये सारी बातें वह एवलिन को बता रहा था। वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एजेंट टीवी पर न्यूज देखता है कि रूस के राष्ट्रपति अभी भी जीवित हैं, जिसे एवलिन ने मार डाला था। उसमें बताया जा रहा था कि उन्हें जो गोलियां मारी गई थी वो नकली थी। वो समझ गया था कि एवलिन ने उन्हें धोखा दिया है। अब एजेंट कहता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था, मैं समझ गया था कि तुम बदल गई हो, क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था, और वह जासूस, वह आदमी जिसने हमें बचपन में ट्रेनिंग दी थी, उसने अमेरिकी एजेंटों को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने ये सब मेरे निर्देश पर किया था। वह तुम्हें यहाँ से गुप्त रूप से ले जाने के लिए आया था। एवलिन अब इस एजेंट पर गोली चलाती है, लेकिन वह कांच के दरवाजे के पीछे होता है, जिसके कारण उसे कुछ नहीं होता है। अब वह सुरक्षा व्यवस्था को हटाकर अंदर आ जाती है। वे दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं, लेकिन जब गोलियां खत्म हो जाती है, फिर वो एक दूसरे पर हमला करते हैं, और इसी बीच एवलिन मिसाइलें भी रोक देती है, जिसके कारण लाखों लोगों की जान बच जाती है। लेकिन अब पुलिस और CIA एजेंट वहां आ जाते हैं। वो उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अब वह पकड़ ली जाती है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था, एजेंट इसका सारा दोषी एवलिन को ठहराना चाहता था। अब जब एवलिन को ले जाया जा रहा होता है, फिर वही एजेंट डॉक्टर की कैंची को अपने पास रख लेता है, ताकि वह एवलिन को मार सके। लेकिन हथकड़ी की मदद से एवलिन जाते समय उसका गला घोट देती है और उसे मार देती है। फिर यहाँ पर सीनियर एजेंट को बताया जाता है कि एवलिन के बाकी दोस्त मारे जा चुके हैं। अब एवलिन को एक अस्पताल में दिखाया जाता है। वहाँ पर सीनियर एजेंट उससे पूछता है कि तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा। वो कहती है कि काश मैंने मारा होता। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे जैसे कितने जासूस हैं। वो कहती है मेरे जैसा कोई नहीं है और मेरे साथ भी कोई नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ बहुत सारे जासूस हैं जिसे आप चाहकर भी नहीं पकड़ सकते, और अगर मैं चाहती तो रूसी राष्ट्रपति को मार सकती थी, और ये आप भी जानते हैं। और तभी एवलिन पॉइजन खाने का नाटक करती है। उसको एडमिट किया जा रहा होता है, लेकिन तभी वो गन से सबके ऊपर हमला कर देती है और वो अस्पताल से भाग जाती है। अब एवलिन सीधा उस रशियन एजेंट के पास जाती है जिसने इसको ट्रेनिंग दी होती है, और यही वो आदमी होता है जिसने इसके हस्बैंड को इसके आंख के सामने मारा होता है। वो उसे देखते ही समझ जाता है कि यह मुझे मारने आई है, और फिर वो अपने पैर से चाकू निकाल लेता है, और जैसे ही वो एवलिन के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी एवलिन उसको गन से शूट कर देती है और उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक देती है। अब वो अपने पति की मौत का बदला लेकर सुकून की सांस लेती है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।